वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जांच नंबर 3, जमा दुबों। सवाल नंबर 1 है, जेल के उरूफ और शक्ल पर हाथ फेरो। यहाँ पर ऊपर हुर्फ दिए हुए हैं और नीचे शक्लें दी हुई हैं। ऊपर के हुर्फों पर और नीचे की शक्लों पर आपको हाथ फेरना है। चलिए मैं आपको इन हुर्फों और शक्लों पर हाथ फेर कर बताती हूँ। ठीक इसी तरह से आपने भी इन हुर्फों और शक्लों पर हाथ फेरना है। सवाल नंबर 2, ज़ेल के हुर्फ में से मुख्तलिफ नजर आने वाले हुर्फ के गिर्द दायरा बनाओ। यहाँ पर हुर्फों के 4 ग्रुप दिए हुए हैं। हर ग्रुप में से मुख्तलिफ नजर आने वाला हुर्फ तलाश करके उसके गिर्द दायरा बनाना है। तो चलिए हर ग्रुप से मुख्तलिफ हुर्फ पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाते हैं। पहले ग्रुप का मुख्तलिफ हुरूफ, दूसरे ग्रुप का मुख्तलिफ हुरूफ, तीसरे ग्रुप का मुख्तलिफ हुरूफ, और यह है चौथे ग्रुप का मुख्तलिफ हुरूफ। सवाल नंबर 3, एक जैसे हुरूफ की जोड़ियां लगाओ। यहाँ पर एक जैसे दिखाई देने वाले हुरूफों की जोड़ियां लगाना है। तो चलिए लगाते हैं जोड़ियां। सवाल नंबर 4, रंग भरो कोई एक शक्ल में। यहाँ पर 3 तस्वीरें आपको नजर आ रही है। तीनों में से किसी एक तस्वीर में आपको रंग भरना है। मैं आपको तीनों तस्वीरों में रंग भरकर बताती हूँ। आपको जो तस्वीर पसंद है आप उसमें रंग भर सकते हो। सवाल नंबर 5, हुर्फों को जोड़कर लफ्ज तैयार करो। यहाँ पर हुर्फ दिए हुए हैं, इन्हें जोड़कर आपको लफ्ज तैयार करना है। एक नंबर पर हुरूफ है मीम अलीफ लाम, यानी म अ और ल। इन तीनों को जोड़ने पर लफ्ज तैयार होगा माल। नंबर 2 पर हुरूफ है बे अलीफ ते, यानी ब अ और त। इन तीनों हुरूफों को जोड़कर लफ्ज तैयार होगा बात। नंबर 3 पर हुरूफ है जीम अलीफ नून, यानी ज अ और न। इन तीनों को जोड़ने पर लफ्ज तैयार होगा जान। सवाल नंबर 6, हिदायत सुनो दोहराओ और अमल करो। यहाँ पर 3 हिदायतें दी हुई है। इन हिदायतों को सुनकर आपको दोहराना है और अमल करना है। पहली हिदायत है सलाम करो। इस हिदायत को दोहराकर आपको सलाम करना है। हिदायत नंबर 2 है आपके हाथ की उंगलियाँ दिखाओ। इस हिदायत को दोहराकर आपको आपके हाथ की उंगलियाँ दिखानी है। हिदायत नंबर 3 है जगह पर उछलो। इस हिदायत को दोहराकर आपको अपनी जगह पर उछलना है।